नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबर। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज मुख्यालय से है, जहां विक्रमगंज पुलिस को पशु मांस लदे एक डीसीएम ट्रक को जब्त करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। विक्रमगंज एसडीएम विजयंत व डीएसपी राजकुमार को गुप्त सूचना मिली कि विक्रमगंज शहर के वार्ड संख्या 22 स्थित कुरैशी मोहल्ला में पशु मांस का अवैध कारोबार किया जा रहा है। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से विक्रमगंज थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी से थाना अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम को उक्त स्थल पर छापेमारी करने हेतु निर्देशित किया गया। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में प्रशिक्षु डीएसपी से थाना अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे दल बल के साथ उक्त स्थल पर छापेमारी किया गया, जहां से छापेमारी के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी से थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पशु मांस लदे एक डीसीएम ट्रक को मांस सहित जब्त कर थाने लाया गया। वही पशु मांस का कारोबार करने वाला कारोबारी पुलिस की आंखों में धूल झोंक मौके से भागने में सफल रहा। इस संबंध में स्थानीय पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।